हाय, मेरा नाम किरण अमरपुरी है और बाय प्रोफेशन मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। ये मेरी डॉटर है मनस्वी अमरपुरी, जो कि 11 साल की है। 1 जुलाई 2020 को इसको फीवर हो गया। सुबह 10:30 बजे के आसपास हमें पता लगा कि इसको फीवर है, जो कि शुरू में 100 था, फिर धीरे धीरे वो फीवर बढ़ने लग गया। जैसे इसको फीवर हुआ, हमने नाइस वाला फॉर्म जो डॉक्टर साहब का आता है वो हमने ऑनलाइन फिल कर दिया और नाइस एक्सपर्ट ने हमें कॉल करके पूरा 3-स्टेप डाइट समझा दी और हमने इसको कोकोनट वाटर और मौसमी का जूस अल्टरनेटिवली इसको देना स्टार्ट कर दिया। तो और इसका फीवर लेकिन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही 102-103 पे हुआ तो हमें टेंशन होने लगी। हम बार बार नाइस एक्सपर्ट को कॉल कर रहे थे तो वो हमें समझा रहा था कि मत्थे पे और नीचे टांगों में इसको बर्फ़ वाले पानी की पट्टियाँ रखो। वो हमने रखनी स्टार्ट कर दी और 7 बजे के आसपास इसका फीवर 104 तक चला गया। 104 तक चला गया तो घर वालों को भी, हमें भी, सबको बहुत टेंशन हो गई कि छोटा सा बच्चा है, 104 तक फीवर चला गया तो हम क्या करें, हॉस्पिटल ले जाएं या क्या करें। तो फिर नाइस एक्सपर्ट ने इमरजेंसी नंबर कोई है उस पर कॉल किया और वहाँ से रचना मैम हैं, उन्होंने हमें वीडियो कॉल किया, बच्चे से भी बात की, हमारे से भी बात की, हमें गाइड फिर से समझाई और बड़ी तसल्ली दी कि आपको डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ट्रीटमेंट कर सकते हो इसका और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने 2-3 बार फॉलोअप किया, 2-3 बार वीडियो कॉल किया, वो देखा कि हम ठीक से पट्टी रख रहे हैं, नहीं रख रहे, हम जूस कैसे निकाल रहे हैं या हम बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बच्चे से भी बात की उसका हेडेक हो रहा है नहीं हो रहा। तो बहुत अच्छे से उन्होंने कॉल करके बार बार 2-3 बार कॉल करके हमारे से इसका हालचाल पूछा और जब 104 फीवर हो गया तो हमें टेंशन होने लगी। तो उन्होंने फिर डॉक्टर राय चौधरी को कांटेक्ट किया और डॉक्टर साहब ने विद इन 10-12 मिनट्स उनका एक छोटा सा ऑडियो उन्होंने हमें भेज दिया डॉक्टर साहब का, जिसमें उन्होंने पूरा प्रोसीजर हमें फिर से सारा समझा दिया और बहुत तसल्ली दी कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जो कर रहे हैं वो करते रहिए। और उसके बाद विद इन 1 आवर इसका फीवर कम होना स्टार्ट हो गया, 103 हो गया। और जो इन्होंने हमें तुलसी और अदरक और काली मिर्च खाने खिलाने के लिए बच्चे को बोला, वो हमने बच्चे को खिलाई। और मेन बात यह है कि डॉक्टर साहब ने जब छोटा सा हमें ऑडियो बना के भेजा, उससे हमें बहुत तसल्ली हो गई कि हम कंसल्टेशन हमें ठीक मिल रही है, क्योंकि हमें यही टेंशन हो रही थी कि हम डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल जाएं या नहीं जाएं, बहुत टेंशन हो रही थी हमें। तो जैसे ही इसका फीवर थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगा और धीरे धीरे इसका फीवर रात होते होते रात को 1:30 बजे इसका फीवर 101 तक पहुंच गया। फिर इसको नींद आ गई और ये सो गई। मॉर्निंग में इसका 100 फीवर था और धीरे धीरे वो फीवर, मतलब 11 बजे तक इसका फीवर विद इन 24 आवर्स वो फीवर इसका बिल्कुल ठीक हो गया और ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई और उसके बाद ना ही इसको फीवर हुआ और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और 3 डेज जो डाइट करनी थी वो हम 3 डेज इसकी डाइट, अब कल इसकी डाइट कंप्लीट हो गई 3 डेज की, वो हमने पूरे 3 डेज इसको डाइट करवाई। अगले दिन भी सुबह भी रचना मैम का दोबारा से हालचाल पूछने के लिए फ़ोन आया और हमने उनको फीडबैक दिया। तो मेरा मेन कहने का मतलब यह है कि ऐसा ट्रीटमेंट तो हमें हॉस्पिटल्स में भी नहीं मिलता। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते तो डॉक्टर इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते। जितनी जल्दी डॉक्टर साहब का ऑडियो हमारे पास आ गया, जितनी जल्दी वीडियो कॉल करके रचना मैम ने हमें सारा कुछ समझा दिया, नाइस एक्सपर्ट ने हमें सब कुछ समझा दिया और वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, उन्होंने हमारे से कोई फीस नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। तो हम थैंकफुल हैं डॉक्टर रॉय चौधरी जी के और हम चाहेंगे कि और सब लोग भी हॉस्पिटल्स में धक्के खाने की बजाय डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट करें, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। थैंक यू वेरी मच।